हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल जो है वो रिजल्ट उसका डिक्लेयर हो चुका है, रिजल्ट आउट हो चुका है। आप लोग रिजल्ट को देख सकते हैं सरकारी रिजल्ट पे, ठीक है, वहाँ पे आप लोग का दे दिया गया है, तो आप लोग रिजल्ट चेक कर लीजिए। अगर आप लोग को कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए तो हम इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाले हैं कि आपके कैटेगरी का जो कट ऑफ होगा वो कितना कट ऑफ गया है, ठीक है। आपका रिजल्ट नहीं होने का मेन जो कारण है वो क्या होने वाला है, ठीक है, आपका रिजल्ट क्यों नहीं हुआ इसमें, तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम पूरा डिस्कस इस वीडियो में आपको करने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम कट ऑफ को दिखाते हैं कि इसका जो कट ऑफ गया है वो कितना गया। देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के तरफ से ये ऑफिशियली नोटिस है, ठीक है, एसएससी के तरफ से। यहाँ पे देख सकते हैं सब्जेक्ट है कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन सीएचएसएल 2021 डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ टीयर फर्स्ट, ठीक है, टीयर फर्स्ट का यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। तो चलिए हम उसका कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे कैटेगरी लिखा गया है, यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स और कैंडिडेट अवेलेबल, यानी कि किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ मार्क्स है और कितना कैंडिडेट अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अनरिजर्व यानी कि अनरिजर्व कोटा कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया है इसका 140.1826 गया है और कैंडिडेट कितना अवेलेबल है तो 71,748 यानी कि 7148 जो है कैंडिडेट अवेलेबल है। एससी कैटेगरी में देखते हैं तो एससी कैटेगरी का 112.8601 है यहाँ पे कट ऑफ, और वही बात करें कैंडिडेट अवेलेबल है तो 11,677 कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल है एससी कैटेगरी में, ठीक है। एसटी वालों का बात करते हैं तो एसटी वालों का 104 कट ऑफ गया है, 104.78368, और इनका जो कैंडिडेट है वो टोटल कितने पास हुए हैं, 5,167 कैंडिडेट पास हुए हैं। ओबीसी में देख लेते हैं 140। इस प्रकार से आप अपने सभी कैटेगरी में देख सकते हैं, ठीक है। ओबीसी का यहाँ पे दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का भी दिया गया है, तो सबसे अगर कम कट ऑफ जो गया है वो गया है ईएसएम में, ठीक है। ईएसएम का जो सबसे कम कट ऑफ है और सबसे हाई कट ऑफ किसका गया है तो सबसे हाई गया है आपका यूआर का, ठीक है। यूआर के बाद में आया है ओबीसी का कट ऑफ सबसे हाई गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टोटल जो स्टूडेंट है, ठीक है ना, टोटल स्टूडेंट कितने यहाँ पे पास किए गए हैं, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 54,104 स्टूडेंट जो है वो पास कर लिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और दिया गया है नीचे में क्या दिया गया कि 5 कैंडिडेट, ठीक है ना, 5 कैंडिडेट जो है वो 10 रिकॉर्ड्स यू आर फाउंड टू हैव अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन मोर देन वंस, यानी कि 5 वैसे कैंडिडेट हैं जो एग्ज़ाम में जो है वो एक बार से ज़्यादा बार मतलब उनका रिकॉर्ड जो है वो फाइंड किया गया है, ठीक है। ये जो नीचे दिया गया है ये सारे स्टूडेंट्स का रोल नंबर है, ठीक है ना, ये लोग जो है वो मतलब इसका जो कैंडिडेटर है वो एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम अब नहीं दे सकता है, उनका जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, कैंडिडेटर ऑफ दिस कैंडिडेट इज कैंसिल, ठीक है, रोल नंबर ऑफ दिस कैंडिडेट आर फॉलो, ठीक है। ये सब रोल नंबर है 3, 3, 6, 6, 2, 8, 10, ठीक है ना, ये 10 कैंडिडेट का जो है वो रोल नंबर कैंसिल कर दिया गया है एसएससी के आयोग की तरफ से, ठीक है दोस्तों। तो ये था आप लोग का कट ऑफ। अगर इस वीडियो में आपको और कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को नया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का अपडेट सबसे पहले आपको मिल पाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।